सोचो आपके पास रहने के लिए कोई घर ना हो, आप ऐसे लोगों के घर में चोरी छुपे जाकर रह रहे हो जो किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। इसी तरह आपकी जिंदगी चलती जा रही है और एक दिन अचानक आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो आपके साथ आप ही की तरह रहना चाहती है। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस फिल्म थ्री आयरन के मेन कैरेक्टर ताइसू के साथ। ताइसू अपनी बाइक पर सवार शहर के सभी घरों में एक रेस्टोरेंट का इश्तिहार लगाता फिर रहा है, पर वो ना तो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है और ना ही किसी रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजिंग कर रहा था। वो बस अपने लिए एक खाली कमरे की तलाश में था जिसके लिए उसे किराया ना देना पड़े। दिन में वो इश्तिहार लगाता और रात में उसी जगह आकर एक ऐसे घर की तलाश करता जिसके दरवाजे पर वो इश्तिहार उसी हालत में चिपका हुआ रहता जैसा कि उसने सुबह में चिपकाया था। इस तरह उसे पता चल जाता कि उस घर में कोई नहीं है। ताइसू के पास एक बॉक्स भी मौजूद थी जिसमें मौजूद कुछ औजारों की मदद से वो घरों के ताले खोलता, वो भी बिना उसे तोड़े। घर में घुसते ही उसका सबसे पहला काम था वॉइस मैसेजेस चेक करना ताकि उसे पता चल पाए कि आखिर घर के ऑनर किस काम से और कहां बाहर गए हुए हैं। ताइसू का एक उसूल भी था, वो किसी भी घर में एक रात से ज्यादा नहीं ठहरता और ना ही कोई चीज चुराता। जिस घर में वो ठहरता उस घर के कुछ बेसिक काम वगैरह भी कर दिया करता था जैसे कि कपड़े धो देना, कुछ खराब हो चुके गैजेट्स को ठीक कर देना। साथ ही साथ ताइसू जिस घर में रुकता उस घर के ऑनर की फैमिली फोटो के साथ एक सेल्फी भी ले लिया करता था। फ्रिज में रखा हुआ बचा कुचा खाना खाकर वो अपनी रात गुजारता और सुबह ऑनर के आने से पहले ही जो चीज जहाँ थी उसे वहीं रखकर चुपचाप वहां से निकल जाता। ताइसू की जिंदगी इसी तरह कट रही थी। एक दिन ताइसू एक बड़े से बंगले में दाखिल होता है, वहां भी कोई नहीं था। अंदर प्रवेश करते ही ताइसू अपने काम पर लग जाता है, पर उसे पता नहीं था कि वो जिस बंगले को खाली समझकर उसमें आज अपनी रात गुजारने वाला है उसी बंगले के कमरे में एक लेडी चुपचाप बैठी हुई थी। उस लेडी के चेहरे को देखते ही हमें पता चलता है कि उस पर किसी ने भारी अत्याचार किए हैं। उसके अंदर छिपा दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बाहर बह रहे थे। उधर ताइसू अपने काम से काम रख रहा था और इधर वो लेडी उस पर नजर। घर के दीवारों पर लगी उस लेडी की तस्वीरों को देखकर हमें पता चलता है कि शादी से पहले वो एक मॉडल थी। देखते ही देखते रात हो जाती है और ताइसू सोने की तैयारी करने में लग जाता है। तभी अचानक से वो लेडी ताइसू वाले कमरे में आ जाती है। उस लेडी को वहां देखकर ताइसू का गला सूखने लगा था। तभी फोन की घंटी बजने लगती है पर वो लेडी फोन नहीं उठाती। इसके बाद उस लेडी के हस्बैंड का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो उस लेडी को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वो लेडी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और फोन उठाकर चीख पड़ती है। ताइसू ये सब देखकर काफी हैरान था और चुपचाप वहां से चला जाता है। रास्ते में ताइसू एक जगह रुककर उस लेडी के बारे में सोचता है कि आखिरकार उस लेडी के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, उसका पति उसे क्यों गालियां दे रहा था, उस लेडी को उसका पति आखिरकार क्यों मारता होगा, साथ ही साथ उस लेडी ने उसके बारे में अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया। इन्हीं सब सवालों के जवाब को ढूंढने ताइसू वापस उस बंगले में जाता है। ताइसू देखता है कि वो लेडी बाथटब में बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद उस लेडी का हस्बैंड भी वापस आ जाता है और आते ही उस लेडी को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर ताइसू पर पड़ती है जो कि उसी के गोल्फ स्टिक से उसी के लॉन में गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा था। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने ही वाला था कि तभी ताइसू गोल्फ बॉल से उस लेडी के हस्बैंड के गोटे फोड़ देता है। ताइसू जब वहां से जा रहा था तभी वो लेडी भी उसके बाइक पर आकर बैठ जाती है और दोनों अपने अगले मंजिल की ओर निकल जाते हैं। दोनों एक आर्टिस्ट के घर में रुकते हैं जो कि किसी काम से बाहर गया हुआ था। वो आर्टिस्ट उस लेडी का बहुत ही बड़ा फैन था और उसने काफी सारी तस्वीरें अपने घर के वॉल पर लगा रखी थी। वो लेडी ताइसू के कपड़े धोने में उसकी मदद भी कर रही थी, पर उस दौरान दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था। शायद अपनी बात कहने के लिए उन्हें किसी शब्द की जरूरत ही नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे थे। ताइसू उस लेडी के लिए खाना बनाता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगली रात बिताने के लिए दोनों एक बॉक्सर के घर में रुकते हैं। वॉइस मैसेज से पता चलता है कि बॉक्सर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गया हुआ है और दो दिन बाद ही वापस लौटेगा। उस लेडी के कहने पर ताइसू उसके बाल काटकर उसे छोटा कर देता है जिसके बाद उस लेडी की खूबसूरती और भी ज्यादा झलकने लगी थी। फिर दोनों एक साथ बैठकर ट्रेडिशनल वाइन पीते हैं। उस दौरान वो लेडी अपने ऊपर हुए अत्याचार को याद करके रोने लगी थी। ताइसू उसे चुप कराता है और उसे उसके बिस्तर पर लिटाकर वहां से जाने लगता है, और वो लेडी ताइसू को उसके साथ उसी के बिस्तर पर सोने के लिए कहती है। ताइसू उस लेडी की बात मानकर उसके साथ ही सो जाता है। इधर बॉक्सर अपनी फैमिली के साथ समय से एक दिन पहले ही घर लौट आता है और अपने बेडरूम में सोए हुए अनजान कपल को देख उन्हें चोर समझकर ताइसू पर दनादन तेज घूसे बरसाना शुरू कर देता है। उस बॉक्सर के प्रहार से ताइसू का नाक फूट गया था, पर जब उस बॉक्सर को पता चलता है कि वो दोनों कोई चोर नहीं है तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए वो उन दोनों को चुपचाप वहां से निकल जाने के लिए कहता है।
ताइसु अपना गुस्सा निकालने के लिए एक गोल्फ बॉल को तार के सहारे पेड़ से बांध कर रास्ते पर ही गोल्फ खेलना शुरू कर देता है। वो लेडी ताइसु को गोल्फ खेलने से मना करती है, पर ताइसु नहीं सुनता और घुमाकर एक शॉट मार बैठता है। तेज शॉट की वजह से वो गेंद उछलकर कार में बैठी एक लेडी पैसेंजर के सर में जा लगती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। ये देखकर ताइसु अंदर से हिल गया था और उसे अपने ऊपर घिन आने लगी थी। डर के मारे वो उस कार के ड्राइवर को कह भी नहीं पाता कि ये कांड उसी ने किया है। एक दिन वो दोनों एक चौल में पहुंचते हैं, जहां ताइसु ने काफी दिनों पहले रेस्टोरेंट का इश्तिहार लगाया था। ताइसु नोटिस करता है कि कमरे का दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ है। अंदर जाने पर उसे एक बूढ़े व्यक्ति की लाश मिलती है। उस लाश को देखकर वो लेडी घबरा गई थी, पर ताइसु दोबारा फुटपाथ पर रात नहीं बिताना चाहता था, इसलिए वो दोनों उसी घर में ठहरने का फैसला करते हैं। ताइसु और वो लेडी दोनों मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति की लाश को पूरे रीति रिवाज के साथ एक कफन में लपेटकर उसे दफना देते हैं। फिर वो लेडी घर की सफाई करने में लग जाती है और ताइसु खाना बनाने में। दोनों खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि तभी उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा अपनी वाइफ के साथ वहां आ धमकता है। अपने घर में दो अनजान लोगों को देख वो आदमी हक्का बक्का रह गया था। अपने फादर को आवाज लगाता है, पर उसके फादर तो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। वो आदमी उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस ताइसु और उस लेडी से गहरी पूछताछ करती है और दोनों में से किसी के भी मुंह से एक चू तक नहीं निकलता। ताइसु के कैमरे से पुलिस को कुछ फोटोज मिलती है, जिसे ताइसु ने उन घर के ओनर्स के फोटो के साथ लिया था, जिसमें उसने अपनी रात गुजारी थी। पुलिस उन घरों के ओनर से पूछताछ करती है कि क्या उन्होंने अपने घर में चोरी की कोई रिपोर्ट हाल फिलहाल में दर्ज करवाई थी, पर कहीं से भी चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। ताइसु की चुप्पी तोड़ने के लिए पुलिस उस पर बल का प्रयोग करती है और तब उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति के लाश के बारे में पता चलता है, जिसे ताइसु और उस लेडी ने मिलकर गार्डन में दफनाया था। पुलिस को लग रहा था कि ताइसु ने ही उस बूढ़े व्यक्ति का मर्डर किया है, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि उस बूढ़े व्यक्ति की मौत दरअसल लंग कैंसर से हुई थी। पुलिस को उस लेडी के मिसिंग रिपोर्ट के बारे में भी पता चल जाता है और वो उस लेडी के हस्बैंड को कॉल करके पुलिस स्टेशन आकर अपनी वाइफ को ले जाने के लिए कहते हैं। अब ताइसु अकेला था। इधर उस लेडी का हस्बैंड अपनी वाइफ को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर लेडी को अब किसी से कोई लेना देना नहीं था। उस लेडी का हस्बैंड इन सब के पीछे का कारण ताइसु को समझता है और अब पुलिस को कुछ पैसे खिलाकर ताइसु को अपने गोल्फ स्टिक से उसी तरह मारता है जिस तरह से ताइसु ने उसे मारा था। गुस्से में ताइसु उस पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठा देता है और सजा के तौर पर उसे जेल हो जाती है। जेल में भी उसके किसी कैदी से नहीं बन रही थी, सो पुलिस वाले उसे अकेले एक दूसरे चैम्बर में शिफ्ट कर देते हैं। जेल में ताइसु अपने स्टील्थ स्किल्स को डेवलप करने लगता है, वो स्किल जिसकी बदौलत वो आज तक बिना पकड़ाए दूसरों के घरों में एक साये की तरह रहता आया था। जेल में जेलर जब भी ताइसु को खाना देने आता, तब ताइसु उससे छुपने की कोशिश करता, कभी वॉल के साइड में खड़ा होकर तो कभी जेलर के पीछे पीछे दबे पाव चलकर। ताइसु की इन्हीं हरकतों से जेलर बड़ा परेशान था और अपना गुस्सा निकालने के लिए ताइसु को जमकर पीटा करता था। कुछ महीनों बाद फाइनली ताइसु जेल से रिहा हो जाता है, पर अब उसने अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लिया था कि लोग उसकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर पाते थे। लोगों के लिए अब वो अदृश्य हो चुका था। ताइसु देर रात उस लेडी के घर पहुंचता है। उस लेडी का हस्बैंड ताइसु को नहीं देख पाता, पर आईने में वो लेडी ताइसु को अच्छी तरह से देख रही थी। ताइसु को देखकर उस लेडी के चेहरे पर एक मुस्कान झलकने लगती है। तभी उसका हस्बैंड वहां आ जाता है और ताइसु फिर से गायब हो जाता है। वो लेडी अब खुश थी और अपने हस्बैंड को गले लगाते हुए उसे आई लव यू कहती है, पर हम देख पाते हैं कि उसने आई लव यू अपने हस्बैंड को नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे खड़े ताइसु से कहा था। अगले दिन उस लेडी का हस्बैंड एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और अब ताइसु और वो लेडी घर में एक साथ अकेले रह गए थे। दोनों एक वजन नापने वाली मशीन पर एक साथ खड़े होते हैं, पर दोनों का वजन बिल्कुल जीरो था। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।